आवाज को दोबारा की कोशिश की जा रही है। लगातार पिछले कुछ समय से जो देश में राजनीति हो रही है, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो लोकतंत्र की बात करता है, सत्ता में बैठे लोगों को बेनकाब करने की बात करता है और हकीकत बयान करता है, निर्दलता से बिना डरे हुए सदन के अंदर सदन के बाहर भी बात को रखता है, कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसको देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की, मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है, उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहने के कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आप जानते हो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रदेश के सब नेता वहाँ मौजूद थे और सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम इस परिपाटी को तोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट यहाँ पर होगी। भाजपा के अंदर जो बिखराव है, जो आपस में सर फुटबॉल मची हुई है, सब ने देख रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन और सत्ता अगर मिलकर हम लोग काम करेंगे तो 25 साल का जो एक क्रम चल रहा है इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ही चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जानते हो जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात को उठाया था, वो मुद्दे थे पेपर लीक पर कार्रवाई हो, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कोई ना कोई पुख्ता मापदंड हो, पारदर्शी तरीके से उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि वहीं से पेपर भी सेट होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। इसलिए मैंने पेपर लीक के ऊपर जो बात रखी थी, आरपीसी मेंबरशिप जो हमारे मेंबर बनते हैं उनकी सदस्यता कैसे बनी जाए, क्या मापदंड तय किए जाएँ, उसमें बात रखी थी और करप्शन को लेकर मैंने बात रखी थी। तो तीनों बातों पर पार्टी सरकार में सहमति है और आने वाले सत्र के अंदर इस पर नियम कानून भी बनेंगे। प्रदेश की सरकार इन दोनों मुद्दों पर निराकरण करके आगे का रास्ता रखेगी ताकि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो अपने आप को कहीं अंधकार में देखते हैं, उनके अंदर एक मन में विश्वास जागे और पेपर लीक का जो ये प्रकरण चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, लोगों को सजा दी जाए, सख्त कानून बनाकर उनको दंडित करने का काम किया जाए। कोई कितना भी बड़ा हो उस तक सरकार के हाथ पहुंच सकें, ये इस कानून के माध्यम से संभव हो सकेगा। और जो मेंबरशिप है आरपीएससी की, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के नियुक्ति के लिए हमेशा हमेशा के लिए कानून ऐसा बन जाए कि कहीं कोई उंगली ना उठा सके और करप्शन को लेकर जो जांच की मांग मैंने रखी थी उसको बहुत जल्द पूरा किया जाए।